मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाई तत्काल बैठक और हाई लेवल मीटिंग। बता दें कि कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सुबह 10:30 बजे पार्टी के लोकसभा सांसदों की आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद स्थित CPP ऑफिस में होगी। गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सांसद अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया था। इसी के विरोध में आज कांग्रेस के नेता बैठक करने जा रहे हैं। वहीं आज मानसून सत्र का भी आखिरी दिन है। बता दें कि लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मणिपुर हिंसा पर कहा, जहां राजा अंधा बैठा रहता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, चाहे हस्तिनापुर हो या फिर मणिपुर में हो। हस्तिनापुर और मणिपुर में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने स्पीकर से कहा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बयान देना गलत है, इसे कंट्रोल किया जाए। पीएम पर की गई टिप्पणी की वजह से अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चौधरी को सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। वे सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। कांग्रेस ने अधीर पर इस कार्रवाई को अविश्वसनीय और लोकतांत्रिक बताया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे 20 साल हो गए हैं इस सांसद में, लोकसभा ऐसे दृश्य मैंने 2 दशक में कभी नहीं देखा। तो देखने वाली बात है कि ये घड़ी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।